हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल उदित फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे टी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज। उससे पहले हमारी आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। So let's start. Our first question is, which of the following is the urethral dosage forms? In mein se urethral dosage forms kaun se hai? Option A foams, option B pessaries, option C transdermal patches and option D suppositories. So the right answer is suppositories. Right answer is suppositories. Suppositories are inserted into the rectum, vagina and urethra. Suppositories जो भी होते हैं वो urethra में insert किए जाते हैं, that's why it comes under the urethral dosage form. Suppositories जो भी होती है वो cylindrical form में available होती है, and जब भी हम urethra में उसको insert करेंगे वो slowly melt होकर इसके अंदर जो भी medicament present होंगे वो release होंगे, and suppositories are mainly useful for the यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सपोजिटरी जो भी होती है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो द राइट आंसर इज सपोजिटरीज फॉर दिस क्वेश्चन। सपोजिटरीज इज द यूरेथ्रल डोसेज फॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स? इन में से एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? So our first option is dusting powder, B fine powder, C catchets and D granules. So the right answer is dusting powder. Dusting powder जो भी होते हैं वो bulk form में available होते हैं, that's why it comes under the external bulk solids. And ये जो भी dusting powder होते हैं वो it is made up of two or more than two medicament. दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से वो बने होते हैं, एंड इट इज़ मेनली यूज फॉर दी एंटीसेप्टिक, एब्सॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंडिड पाउडर। सो डस्टिंग पाउडर जो भी होते हैं वो बल्क फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर द एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स। सो द राइट आंसर इज डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोसेज फॉर्म? इन में से यूनिट डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए टैबलेट्स, ऑप्शन बी पिल्स, ऑप्शन सी कैप्सूल्स एंड ऑप्शन डी डस्टिंग पाउडर। सो द राइट आंसर इज डस्टिंग पाउडर। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला, डस्टिंग पाउडर इज अवेलेबल इन बल्क फॉर्म, इट इज अवेलेबल इन बल्क फॉर्म, इसलिए वो यूनिट डोसेज फॉर्म का एग्जांपल नहीं, वो यूनिट डोसेज फॉर्म में नहीं आता है। यूनिट डोसेज फॉर्म क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, लाइक वन टैबलेट, टू पिल्स, कैप्सूल्स एंड ऑल। सो यूनिट डोसेज फॉर्म्स के एग्जांपल जो भी है वो है टैबलेट, पिल्स एंड कैप्सूल्स, नॉट डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर किसके एग्जाम्पल है? बल्क डोसेज फॉर्म का। सो द राइट आंसर इज डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर यूनिट डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उचित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन में जाके जो भी कोर्स है वो इनरोल कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिटेल में दिए गए हैं। अगर आपको सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उचित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। Now next question, dry seal and wet seal is a sub type of dash. Dry seal and wet seal किसके सब टाइप है? A, option A capsules, option B catchets, option D C tablets and option D pills. Dry seal and wet seal is a sub type of catchets. अब ये catchets क्या है? Catchets जो भी होते हैं वो it is a small container like छोटे कंटेनर के जैसे होते हैं, जो बने होते हैं
फ्लोर से, एंड वो जो भी फ्लोर होगा वो मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, और वो दोनों को मिलाकर जो भी कंटेनर होगा वो होगा कैचेट्स, और इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी पाउडर है वो इनक्लोज किए जाते हैं, और इसके सब टाइप्स जो भी होते हैं वो होते हैं ड्राई सील एंड वेट सील, ये जो भी होते हैं वो कैचेट्स के सब टाइप्स है. सो कैचेट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डैश आर आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैविंग स्पेसिफिसिटी फॉर अ सिंगल एंटीजन. ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी डेंड्राइमर्स एंड ऑप्शन डी माइक्रोस्पियर्स. सो द राइट आंसर इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो भी होती है वो मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. सो द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैविंग स्पेसिफिसिटी फॉर अ सिंगल एंटीजन. सो द राइट आंसर इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. नाउ नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रावसाइनल कंट्रोल रिलीज ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम इज नॉट प्रेफर फॉर डिलीवरिंग ऑफ अ ड्रग्स बाय वजाइनल रूट. इन में से इंट्रावजाइनल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी है नॉट प्रेफर है, कौन सी प्रॉपर्टी फॉर डिलीवरिंग ऑफ अ ड्रग्स बाय वजाइनल रूट. ऑप्शन ए लेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी रेस्ट वास्कुलराइजेशन एंड ऑप्शन डी स्मॉल परमिएशन एरिया. सो द राइट आंसर इज स्मॉल परमिएशन एरिया. स्मॉल परमिएशन एरिया जो भी होगा, इट इज नॉट प्रेफर फॉर डिलीवरिंग ऑफ अ ड्रग्स बाय वजाइनल रूट. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन विच आर रिटर्न इन अ बुक कॉल्ड डैश. कोई भी प्रिपरेशन, मेडिसिन का प्रिपरेशन बनाने के लिए देर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो रिक्वायर होती है वो किस बुक में दी गई है. ऑप्शन ए बीपी दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऑप्शन बी यूएसपी दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ऑप्शन सी फार्माकोपिया, ऑप्शन डी आईपी दैट इज इंडियन फार्माकोपिया. सो द राइट आंसर इज फार्माकोपिया. नाउ व्हाट इज फार्माकोपिया. फार्माकोपी जो भी है इट इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड विच इज पब्लिश बाय गवर्नमेंट. एंड फार्माको मीन्स टू मेक एंड ड्रग पोया मीन्स टू मेक. फार्माको मीन्स ड्रग एंड पोया मीन्स टू मेक. सो लिस्ट ऑफ ड्रग, लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन, फार्मूला, स्टैंडर्ड्स, सोर्सेस, टेस्ट, यूजेस ऑफ ड्रग्स एंड डायरेक्शंस आर गिवन इन दिस फार्माकोपिया. सो इस बुक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्शंस होती है, वो सारी इसके अंदर दी गई है. सो द राइट आंसर इज फार्माकोपिया. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट्स सप्लीमेंट वॉज केम इन डैश. जो भी सेकेंड एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी. डॉक्टर मुखर्जी ने सेकेंड एडिशन आईपी का पब्लिश किया 1966 में, और उसके सप्लीमेंट जो भी थे वो कौन से ईयर में आए. सो ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1960 एंड ऑप्शन डी 1975. सो जो भी सप्लीमेंट्स थे वो आए 1975. सो द राइट आंसर इज डी 1975. सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ 1966 में और उसके सप्लीमेंट आए 1975 में. सो द राइट आंसर इज 1975. नाउ नेक्स्ट, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2007 वेयर एज इट्स अडेंडम वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर डैश. जो भी हमारा फिफ्थ एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ 2007 में
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद. उन्होंने 2007 में फिफ्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश किया. और उसके एडेंडम कौन से ईयर में आए? सो द ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2008 एंड ऑप्शन डी 2011. सो द राइट आंसर इज 2008. जो भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया फिफ्थ एडिशन का इंडियन फार्माकोपिया था वो पब्लिश हुआ 2007 में और उसके अडेंडम आए 2008 में. उसके 2008 में उसके अडेंडम पब्लिश हुए. द राइट आंसर इज सी 2008. नाउ लास्ट, द डैश ऑफ बीपी दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द ईयर 1885 विथ इट्स अडेंडम इन 1890. ऐसा कौन सा एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1885 में और इसके अडेंडम आए 1890 में? सो कौन सा एडिशन था वो? ऑप्शन ए सेवेंथ एडिशन, ऑप्शन बी थर्ड एडिशन, ऑप्शन डी सेकंड एडिशन एंड ऑप्शन डी फिफ्थ एडिशन. सो द राइट आंसर इज थर्ड एडिशन. थर्ड एडिशन जो था ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ 1885 में और उसके अडेंडम आए 1890 में. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पर कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं. ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगी और साथ ही आप हमारे साथ सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.